हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा कि जो हमारा मेटल होता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको कुछ भी मतलब काटना है या होल करना है, उसके लिए हमें मशीन्स लगती है, जैसे कि ड्रिल मशीन या तो जो हैंड सॉ होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी बिना टूल्स के आप मेटल को स्क्रैच कर सकते हैं। मतलब आपको जितना एरिया में चाहिए इतना एरिया में आप उसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वो तरीका काम करता है पानी से। मतलब पानी से हम मेटल कुतरेंगे। अब आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट नहीं, ये पॉसिबल है। आप सभी ने जो रस्टिंग प्रोसेस होता है वो उसके बारे में सुना ही होगा। जो हमारा पानी है वो अगर मतलब आयरन वगैरह के ऊपर जम जाता है तो उससे रस्टिंग होती है। तो उसी फिनोमेनल को लेके मैं आपको आज मेटल एंग्रेव मतलब कुतरना सिखाऊंगा। तो इसका एक टेक्निकल नेम भी है जिसे इलेक्ट्रो एचिंग कहते हैं। एचिंग मतलब आप पहले समझ ले, या तो फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ। एचिंग मतलब समझिए कि आपके पास कोई भी रिंग है, एक ये रिंग है, इसको आप एक पेपर पर रख के इसके आजू बाजू जो भी आप समझिए कि पेंसिल से आपने बाउंड्री बना दी, तो वो उसका इलेक्ट्रो मतलब एचिंग होता है। एचिंग तो इसमें हम मेटल पे एचिंग करने वाले हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी और पानी के वजह से। तो आपको मेनली दो चीज़ चाहिए रहेगी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर इसलिए क्योंकि जो सॉल्ट वाटर है वो रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट कर देता है, वो एक कैटलिस्ट के तरह काम करता है, मतलब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें चाहिए रहेगी। बाकी तो आपको जो मेटल पे मतलब एचिंग करना है वो मेटल चाहिए रहेगा, और कुछ टेप्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वीडियो में आगे देखिए कि मैंने ये कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। अगर आप स्किप करते जाओगे तो फिर आपको समझेगा नहीं बीच बीच के पॉइंट्स कि कैसे करना है, और आप उल्टा फुल्टा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और अच्छे से होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए, आगे देखिए, मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू देव ज्ञान यूट्यूब तो चैनल। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहेगी, जैसे कि ये सॉल्ट वाटर, इसमें 2 स्पून नमक की डाली हुई है, और एक इलेक्ट्रिकल टेप, कुछ कॉटन बड्स, और एक कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जिससे कुछ भी काट सके वो। और एक पावर सप्लाई भी चाहिए रहेगी। तो आप ये 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सेटअप बॉक्स का जो एडेप्टर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर है, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ, वो अच्छा रहेगा 9 वोल्ट बैटरी से। तो सबसे पहले जो ये हमारी सीज़र है, इसमें हमें ये जो इलेक्ट्रिकल टेप है उसके ऐसे पीसेस काट के जहाँ पे हमें मतलब प्रिंट करना है वहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप टेप लगाने के बाद थोड़ा ध्यान से इसको प्रेस कर दे, यहाँ पे बीच में एयर नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें ये कटर से यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे डी लिखना है, डी और जी लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो मैं उतना हिस्सा काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका ऊपर का टेप निकाल दिया है। ये जी थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, बट फिर भी अच्छा दिख रहा है। तो आपको इस तरह इसका जो आपको डिज़ाइन करना है वो इस तरह निकाल देना है ऊपर से, और फिर इसका जो यहाँ पे बाउंड्रीज है इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस कर देना है, जो मतलब उखड़ गई है वो।
इसके बाद ये कॉटन बड्स लेने हैं और इसको ये सॉल्ट वाटर में थोड़ा सा भिगोना है। और इसके बाद जो ये भिगोया हुआ पार्ट है उस पे हमें पावर सप्लाई लगानी है। तो जो ये रेड वाला है मतलब पॉजिटिव है वो इस पे लगेगा, और जो ये हमारा भिगा हुआ पार्ट है उस पे नेगेटिव लगेगा। इसके बाद हमें ये स्टार्ट करना है। इसके ऊपर ऐसा हल्का हल्का प्रेस करते हुए घुमाना है। यहाँ से थोड़े से बबल्स भी उठेंगे और ये अंदर का जो हिस्सा है वो काला होने लगेगा। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा है मतलब 12 वोल्ट तक है तो शायद इस पे से थोड़ा सा मतलब धुआं भी निकलेगा, क्योंकि जो ये वाटर है हमारा वो इवापरेट हो रहा है गर्म होके इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत देर से किया ये, मतलब बहुत देर तक इसको इसके ऊपर रगड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या हालत हो चुका है। आप चाहे तो इसको आप अगर और डार्क करना चाहते हैं तो आप जो सॉल्ट वाटर है उसके अलावा विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा डार्क आएगा। बट फ़िलहाल मेरे पास अभी विनेगर नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। और आप इसको और अगर थोड़ी देर और करोगे तो और भी डार्क हो सकता है और गहरा भी होगा। तो मैंने ये डी का कर लिया है, अब ये हम टेप निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, इस पर ये खड्डा भी हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब इसके ऊपर का जितना भी मेटल था वो पूरा उखड़ गया है। तो मैं इसी तरह जी का भी कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे मैंने गलती से मतलब थोड़ा सा टच हो गया था ये पानी, तो यहाँ पे भी उसके नीचे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट हो चुका है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहिए तो टेप थोड़ा और एरिया में मार दे तो आपका दूसरा जहाँ पे आपको नहीं करना है वहाँ पे भी ना हो। तो मैं जी का कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जी का भी हो चुका है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। आप इसको थोड़ा सा इसके बाद पानी से धो लोगे तो भी अच्छा रहेगा, या तो इसके ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डाल दोगे तो भी अच्छा सा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा टेप है इसका ग्लू भी थोड़ा सा चिपका हुआ है तो गंदा दिख रहा है, तो आप उससे साफ़ कर सकते हैं एसीटोन वगैरह से। फ्रेंड्स आप इसकी ज़रा हालत तो देखिए, इसके ऊपर मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक है ये पूरा सॉल्ट है जो इसके ऊपर जम चुका है। मतलब जब इस पे हम इसको रगड़ते हैं तब इसमें से पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण इवापरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा बर्न होके ब्लैक हो जाता है, तो वो इस पे चिपक जाता है। मैंने ये दूसरा एक भी किया है जिसपे मैंने थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से ट्राई किया था। मैंने इसमें ये जो पूरा स्केल है स्टेनलेस स्टील का इसको पूरा मतलब टेप से लिपेट दिया,
और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये नाम काटा, और इसको पूरा जो हमारा सॉल्ट वाटर का सल्यूशन है इसको पूरा पानी में डिबो दिया, मतलब वो पानी में डिबो दिया, और इसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया। बट इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छा नहीं है, इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। उससे अच्छा जो ये वाला टेक्निक है वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एकदम मतलब क्लियर आता है। मैंने ये सीज़र वाले से पहले ट्राई किया था तो उसका रिज़ल्ट ये आया था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया नहीं कि ये मैंने कैसे बनाया। इसके पिक्स आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दीजिए, तो उनको भी क्या पता ये आइडिया अच्छा लग जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके या तो मुझे इंस्टा पे मतलब पूछ सकते हैं।